जिस ट्रेन का इंतज़ार था वो ट्रेन आ चुकी है, अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस। तो अपन की जो गाड़ी सीट नंबर है 41 है, तो ढूंढते हैं 41 नंबर को। वन है मेरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो यहां से हमारी जो जर्नी स्टार्ट होती है, अभी मैंने होटल बुक करवा रखा है, तो होटल की तरफ जाते हैं। होटल मैंने रात को बुक कर लिया था, होटल लज्जा पैलेस। तो देखते हैं वहाँ के, वैसे वो होटल कैंसलेशन में है, अगर वो मुझे अच्छा ना लगा तो लाइक आई कैन कैंसल बिफोर 11 AM। बट लेट्स सी, अभी चलते हैं होटल की तरफ और पैदल पैदल देखते हैं कितना रास्ता है। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा रास्ता तो रिक्शा कर लेंगे, बट फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ अभी बाहर जाने का रास्ता, कि यहाँ से बाहर जाते कहाँ से जाया जाए। कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है हरिद्वार में। भैया एग्जिट के लिए इधर है, दूसरी तरफ है अपने पक्की पड़ी है ना। हाँ जी, हाँ जी, फाटक के साथ यहाँ यहाँ से आके ना। ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू। सो हर की पौड़ी की तरफ जो रास्ता जाता है वो सामने जाएगा, सामने स्टेज है, वहाँ से जाएगा रास्ता। यहाँ से मैं लोकेशन लगा लेता हूँ होटल की, तो इजी रहेगा मेरे लिए। होटल जा पैलेस। ये रास्ता हर की पुड़ की तरफ जाता है ना। ठीक है, तो जो ट्रेन है बिल्कुल ऑन टाइम थी, लगभग 7:20 का टाइम था, कुछ 10 to 10 minutes लेट थी, डिले थी थोड़ी सी, बट यस ओके थी ट्रेन। और आपको स्लीपर था, स्लीपर में इन्होंने ब्लैंकेट दिए थे और कुशन्स भी मिले थे। आई थिंक गुड थी सर्विसेज ट्रेन की, 3 टायर एसीज की अच्छी थी। लगभग फुल मैंने स्पेंड किए हैं 575 रुपीज़,
तो पहले तो कंफर्म नहीं थी, पहले अब कंफर्म होगी रात को भी ट्रेन, और ठीक है एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस, अगर आप भी आना चाहते हैं हरिद्वार के लिए, आई थिंक अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस इज़ ए गुड ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेन है अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस, इट्स ए गुड ट्रेन। सो ये हरिद्वार का होटल जस्ट 400 मीटर्स की दूरी पे है, मैंने चेक किया अभी जस्ट ऑनलाइन। आयो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.